सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं सलवैया नाइन एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेक माय न्यू वीडियो। सो फाइनली आज मेरा काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग शूट हो रहा है, मतलब मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं किया था, मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब ये तीसरी चौथी बार है जब मैंने रीस्टार्ट किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है, तो आज का जो व्लॉग होने वाला है पूरा रमज़ान के ऊपर होने वाला है, मतलब डे रूटीन या फिर जो भी बोल दो आप, पूरा डे स्पेंड होने वाला है। सो अभी हो रहा है सहरी का वक्त और मैं इतना फ्रेश अभी इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया, बस सोया गया भाई का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 9th रमज़ान है और भाई पता नहीं पड़ रहा सीरियसली कितने फास्ट रमज़ान जा रहे हैं। तो अभी 9th रमज़ान है तो मुझे नहीं पता कब आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, बिकॉज रमज़ान में बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है। सो बट ट्राई करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल ये वीडियो अपलोड हो जाए। बहुत बातें कर ली, सहरी का वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा होगा, तो अभी जाते हैं किचन में और देखते हैं क्या बन रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी नहीं मतलब क्या बन रहा है। लेट्स गो। तो अभी मेरी फेनी आ चुकी है, मेरे को सहरी में ना बस फेनी पसंद है, तो अभी मेरी फेनी आ चुकी है। और हाँ 5 से 10 किलो पानी वो मेन चीज़ है। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्म हो रही है बहुत। और हाँ एक बात और बोलना चाहूँगा, जस्ट अ स्पेशल एडवाइस फॉर यू, भाई तुम ना कभी सहरी में मछली मत खा लेना, बिकॉज तुम देखो सहरी तो सहरी समझ के खाते हो नहीं, शादी का खाना समझ के खाते हो और ऊपर से पी लेते हो क्विंटलों में पानी, तो वो तुम्हारे पेट में अगर मछली ज़िंदा हो गई ना तो वो तुम्हारे पेट में गुलू गुलू फील कराएगी, फिर तुम सो नहीं पाओगे। तो इसलिए लिमिट में खाओ, हो सके तो मेरी तरह एक कटोरी फैनी दैट्स इट, और 5 से 10 किलो पानी पी लो, अपना रोज़ा निकल जाता है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े वैसे भी अभी बहुत फास्ट जा रहे हैं, मिलता हूँ अब मैं आपको फजर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह। सो जब तक मैं फिनिश करता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ हो चुकी है और मैं कुरान शरीफ पढ़कर अभी छत पर आया हुआ था, तो छत पर इतना अच्छा प्यारा सीन हो रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और चिड़ियों की चहचहाट, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग फजर के बाद छत पर आते हो या नहीं आते हो, या फिर डायरेक्ट ही सो जाते हो। तो भाई मतलब मैं अब का मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ता हूँ, तो अभी मैं अखबार पढ़ूंगा और अब मैं मिलूंगा आपसे डायरेक्ट दिन में, बिकॉज अखबार पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगा, तो और कुछ काम भी नहीं है वैसे सोने के अलावा। तो अब मैं 2-3 बजे आई थिंक उठूंगा, तो इस वीडियो को वहीं कंटिन्यू करूंगा। अब तक के लिए गुड नाइट। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड जुम्मा मुबारक टू ऑल। आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी वो सहरी की, वो 9th रमज़ान की थी, अभी मैं 10th रमज़ान में शूट कर रहा हूँ। मैंने सहरी के बाद सोचा, मैंने कहा क्यों ना जुम्मे के दिन ही शूट करेंगे, जुम्मे के दिन इस वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो सहरी के बाद मैं अगले दिन अब दिन में इसे शूट कर रहा हूँ। सो वंस अगेन जुम्मा मुबारक। मेरी नमाज़ तो मतलब कहीं बाहर तो हो नहीं रही, तो घर में हो चुकी मेरी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कि थोड़ी देर बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अभी मैं नीचे जाके देखता हूँ बन क्या रहा है। मतलब पता है मेरा कैसा है, मैं सोचता हूँ ना कि बॉडी ना थोड़ी शेप में आ जाएगी रमज़ान में और ऐसे, मतलब बिकॉज खा पी नहीं रहे कुछ भी 15-16 घंटे तक, मतलब ऐसे बिना खाए पिए रह रहे, तो मतलब शेप में आ जाएगी थोड़ी सी। बट रमज़ान में अफ्तारी के बाद तो मतलब पेट ऐसा हो जाता है, मतलब जगह ही नहीं बचते, इतना खा लेते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता अपना। ठीक है चलो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। मोबाइल चलाता है लड़का, कितना मोबाइल चलाता है ये, बंद करो बंद करो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, बन कर दो।
बंद कर दो। देख रहे हो क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर देखते हो, इधर देखते हो, देखते हो। बिजी इन मोबाइल। तो आज इफ्तारी में आलू बड़े और क्रेविंग हो रही थी, इसलिए सबके पसंदीदा मोमोज बनाए गए हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सॉस, ये चटनियाँ, ये जलेबी, और ये बस कैमरा देख के पोज मारती है। एंड गाइज से अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ यू हैव अ चॉइस व्हाट टू ईट इन अफ्तार, से अल्हम्दुलिल्लाह।